Ori daba dobi 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 So guys, ये जो टी वी है मैंने ऑर्डर किया था पिछले ईयर, बट तब मैंने सोचा कि टी वी के अनबॉक्सिंग कौन ही देखना प्रीफर करेगा। जब मैंने इसके एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखे तो मैंने सोचा कि अनबॉक्सिंग वीडियो लोग बना रहे हैं, सो मैं भी बना लेता हूँ एक वीडियो। तो ये जो आप वीडियो देखने वाले हो ये एक साल पहले अपलोड हो जानी चाहिए थी, बट ये अभी अपलोड हो रही है। सो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको टीवी की अनबॉक्सिंग देखना पसंद है, तभी मैं आगे डालूंगा ऐसी अनबॉक्सिंग टाइप। सो गाइस, मैं इस वीडियो में दो टीवी की अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूँ। वन इज़ गोना बी 43 इंच टीवी एंड वन इज़ गोना बी 80 सेंटीमीटर टीवी, मैं भूल गया उसका क्या थी लेंथ। तो दोनों टीवी की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और मैं फीचर्स बताऊंगा दोनों टीवी के कि क्या डिफरेंस है मेन, और आपको किसको खरीदना चाहिए, कौन सा टीवी आपको वैल्यू फॉर मनी देता है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स मूव इनटू आवर वीडियो। सो हे गाइस, ये है टीवी का बॉक्स। टीवी का जो ब्रांड है वो है शाओमी, चाइनीज ब्रांड। सो इसका मॉडल है शाओमी LED 4A प्रो, 32 इंच का ये टीवी है। तो इसके जो बॉक्स के ऊपर जो फीचर्स लिख रखे हैं, हम पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हाई डेफिनेशन एंड्रॉयड टीवी है, इसके अंदर हमें एंड्रॉयड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, एक एंड्रॉयड OS है और HD डिस्प्ले है इसका, एंड टच वॉल का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसा दिखता है टच वॉल। और आपको HDMI केबल का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि ऑडियो और वीडियो सिर्फ एक ही केबल से आप कनेक्ट कर सकते हो। फोर्थ है, आपको इनबिल्ट वाईफाई देखने को मिल जाता है, तो आपको कोई भी वाईफाई मॉड्यूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी जो फीचर्स हैं वो है इनबिल्ट आपको क्रोमकास्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि आप अपने फ़ोन की स्क्रीन या किसी भी स्क्रीन को आप अपने टीवी की स्क्रीन पर पेयर कर सकते हो, यानी कि आप कास्ट कर सकते हो एक तरीके से। और जो लास्ट फीचर है वो है आपको गूगल असिस्टेंट और गूगल प्ले का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये है इसका फ्रंट ओवरले, आप हम इसके बैक पे देख लेते हैं एक बार क्या देखने को मिल जाता है। तो भाई इस पीछे बॉक्स के कुछ लिखा हुआ है, ऑलवेज बिलीव दैट समथिंग वंडरफुल इज अबाउट टू हैपन, तो ये इनका कोट है। और राइट और लेफ्ट हैंड साइड बॉक्स पे सिमिलर थिंग्स लिखी हुई हैं, तो क्विकली इसको अनबॉक्स कर लेते हैं इस सीजर के साथ। सो गाइस, बॉक्स को खोलते सबसे पहले हमें देखने को मिल जाता है MI TV का रिमोट जो ब्रूनो लेके भाग गया था। देन आपको देखने को मिल जाते हैं इस टीवी के स्टैंड्स या हम कहें माउंट, दो माउंट ईच साइड के लिए। फिर एक थर्माकोल था ये, एंड एट लास्ट आपको अंदर एक टीवी देखने को मिल जाता है। इसको फटाफट से हम बाहर निकालते हैं। सो गाइस, ये है टीवी जिसकी अभी हमने अनबॉक्सिंग करी, तो जल्दी से इसको वॉल पे माउंट करता हूँ मैं और फटाफट से मैं इसके फीचर्स बताता हूँ इसको बूट करने के बाद। सो लेट्स गो। सो गाइस, ये है टीवी का डिस्प्ले, 32 इंच का ये टीवी, थोड़ा स्मॉल लग रहा होगा बट एक्चुअल में बहुत बड़ा है ये। और अब इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके पीछे पोर्ट्स हैं कुछ, मैं उनको दिखा देता हूँ आपको क्विकली। और इसके ऊपर कुछ बटन देखने को नहीं मिलता है हमें, बस एक पावर ऑन का बटन देखने को मिलता है, वो भी नीचे की तरफ एक LED देखने को मिलती है, तो वो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेट्स गेट अ क्विक लुक ऑफ दिस टीवी। गाइस, दिस इज द एक्चुअल लुक ऑफ द टीवी फ्रॉम बिहाइंड। तो इसके पीछे जो ये आप देखने को देख रहे हो ये माउंट है इसका टीवी का, जो कि वॉल हैंग करने के लिए यूज़ होता है। तो इसको फिक्स करने के लिए आपके जो कोई टेक्नीशियन आएगा, आपको नहीं लगाना पड़ता ये। सो गाइस, इसके एक साइड की तरफ बस एक पावर कॉर्ड जाती है और बाकी सारे जो पोर्ट्स हैं वो दूसरी साइड पे हैं। सो गाइस, ऊपर आपको देखने को मिल जाता है ईथरनेट पोर्ट, तो अगर आप इसमें इंटरनेट ब्राउज करना चाहते हो एट हाई स्पीड सो यू कैन। और उसके नीचे आपको देखने को मिल जाते हैं ये तीन पोर्ट्स, वीडियो का एक और बाकी राइट और लेफ्ट ऑडियो के, जो शायद पुराने किसी चीज़ में यूज़ होते थे, पुराने सेटअप बॉक्स टाइप्स में, तो वो है। और नीचे आपको तीन HDMI पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, तो आप तीन डिस्प्ले इसको तीन चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हो। आप अगर अपने सेटअप बॉक्स से कनेक्ट करना चाहते हो देन यू कैन, एंड मॉनिटर की तरह यूज़ करना चाहते हो या फिर एक कॉन्सोल
के मॉनिटर की तरह, तो वो भी यूज़ कर सकते हो। नीचे आपको देखने को मिल जाते हैं दो USB पोर्ट जिसमें आप माउस और कीबोर्ड भी लगा सकते हो, मैंने ट्राई किया है तो इट वर्क्स। और उसके नीचे आपको देखने को मिल जाता है एक एंटीना का पोर्ट जिसमें आप डायरेक्टली एक डिश टीवी का जो केबल होता है वो लगा सकते हो। एंड एट लास्ट एक हेडफोन जैक है जो मेरे को नहीं लगता किसी काम आने वाला है। तो एट लास्ट एक हेडफोन जैक है जिससे आप इसको एक्सटर्नल स्पीकर से कनेक्ट कर सकते हो। वैसे तो इसके नीचे स्पीकर्स हैं हाई डेफिनेशन, बट स्टिल अगर आपको लाउडर नॉइस चाहिए तो आप कर सकते हो कनेक्ट। गाइस इसके साथ जो रिमोट आता है तो वो कुछ ऐसा दिखता है, अमेज़ोन की फायर स्टिक टाइप का, और इसमें बहुत ही लिमिटेड बटन्स का सपोर्ट मिलता है, बट जितने भी बटन्स दैट आर इनफ, क्योंकि इससे ज़्यादा क्या ही दे देंगे, इसमें कीपैड तो नहीं डाल सकते वो लोग। तो इसके फंक्शनैलिटी की बात करी जाए बटन्स के, तो सब इजी टू यूज़ हैं, कोई भी इसको इजीली यूज़ कर सकता है। जैसे आप देख सकते हो टॉप पे एक पावर ऑन ऑफ का स्विच है, उसके नीचे जो है वो है गूगल असिस्टेंट के लिए, और ऊपर की तरफ आपको एक माइक देखने को मिल जाता है जिससे आप गूगल असिस्टेंट को यूज़ कर सकते हो। नीचे एक ट्रैक पैड टाइप का है जिससे आप राइट लेफ्ट सेंटर या अप एंड डाउन कर सकते हो। ये पैच वॉल के लिए है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में स्विच करने के लिए है, जिसकी इज़ फॉर बैक और एग्ज़िट। एंड ये जो है वो है वॉल्यूम रॉकर के लिए। पीछे आपको देखने को मिल जाता है एक बैटरी कंपार्टमेंट, उसके ऊपर देखने को मिल जाता है एक ब्लूटूथ लोगो, बिकॉज ये जो रिमोट है ये ब्लूटूथ इनेबल्ड है, इसमें इंफ्रारेड का कोई काम नहीं है। तो आपको ज़रूरी नहीं होता कि आप इसको टीवी की तरफ पॉइंट करके ही चलाओ, आप इसको ऐसे हाथ में पकड़े रखे किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट करके आप टीवी को ऑन ऑफ या कंट्रोल कर सकते हो। ये है मेरे टीवी, इसको मैंने वॉल माउंट कर लिया है। तो स्विच ऑन करने के लिए आप दो ऑप्शन से ट्राई कर सकते हो, ये एक इसका रिमोट है, मैं इसके बारे में बताना भूल गया। तो ये ब्लूटूथ रिमोट है, आप इसको टीवी की तरफ पॉइंट करना ज़रूरी नहीं है, आप कहीं पे भी पॉइंट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है ब्लूटूथ रे इसको क्या जाऊँ डीप में ज़रा, तो आप इसको कहीं पे भी पॉइंट कर सकते हो। तो ऑन करने के लिए आपको सिंपली पावर ऑन वाला बटन दबाना है, या फिर आपको MI TV जो लोगो है उसके नीचे एक बटन देखने को मिलता है, उसको आपको टर्न ऑन कर देना है उससे। तो टर्न ऑन होते ही आपके सामने एक MI लोगो आएगा, नीचे एक LED भी ब्लिंक करती है। तो मैं इसको सेटअप कर चुका हूँ, वरना स्टार्टिंग में आपसे आपका रिमोट पेयर करने के लिए भी पूछता है, तो वो आप इजीली कर लोगे, क्योंकि जो भी स्टेप्स करवाता है वो बहुत सिंपल होते हैं। सो गाइज ये जो आप अपने सामने देख रहे हो ये है पैच वॉल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको अपने रिमोट पे ये MI वाला लोगो वाला बटन दबाना पड़ता है। बहुत ही लिमिटेड बटन्स तो दे रखे हैं इस पे, पर ये सफिशियंट है। और अगर आपको इसका मेन जो एंड्रॉयड सिस्टम OS होता है उस पर जाना है, तो आपको ये सर्कल वाला बटन दबाना है, तो आप दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे आ जाओगे। ये थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए, और आप इसमें से गैलरी, यूट्यूब, प्ले मूवीज़ एंड टीवी, डिज्नी हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, गूगल प्ले गेम्स, या फिर नीचे जो भी चैनल है ये सारे आप ब्राउज़ कर सकते हो। अगर आपके पास एक इंटरनेट है, अगर आपके पास एक इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी खासी, और बाकी फीचर की बात कर ले तो यहाँ पे आपको गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आप इनपुट्स में जाके आप इससे कोई भी HDMI या फिर AVI से कनेक्ट कर सकते हो। इसमें तीन पोर्ट्स थे HDMI के। बाकी आपको मिल जाता है गूगल कास्ट एंड एक और फीचर, और इसके अंदर जो स्टोरेज मिल जाती है दैट इज़ अबाउट 5 GB, दैट इज़ अबाउट 8 GB। एंड ऐप्स की बात कर लें, इसमें जो आए हैं ऐप्स तो डाउनलोड हमने कर लिए हैं कुछ, ये जो आपको दिख रहे हैं ये Zee5, हीरोज नाउ, हॉटस्टार, हंगामा प्ले और नेटफ्लिक्स, ये डाउनलोडेड हैं, आप कर सकते हो डाउनलोड। इसमें प्ले स्टोर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी जो सिस्टम ऐप्स हैं वो ये हैं,
लॉल कितने ढेर सारे ऐप्स हैं। तो बस गाइस एक बार मैं आपको इसका अबाउट सेक्शन दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप डिवाइस को रीनेम कर सकते हो, इसका मॉडल देख सकते हो, इसका वर्जन देख सकते हो और अपडेट भी कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस टीवी। अब मैं आपको दूसरा जो टीवी है इससे बड़ा डिस्प्ले वाला वो दिखाता हूँ। सो गाइस ये है मेरा बड़ा टीवी। सो मैं थोड़ा दूर जाऊँगा तो आपको पता चलेगा ये। तो इसका साइज़ उससे काफ़ी बड़ा है एंड इट्स 43 इंच। एंड ये जो वर्जन है ये 43 इंच का है। तो आपको स्टार्टिंग में ही आपको न्यूज़ देखने को मिल जाएगी कि वी आर अप टू डेटेड बंदा चैनल चेंज। सो ये इसमें भी आपको पैच वॉल देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो चीज़ों को और बाकी आपको नॉर्मल वाली वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाती है। सो इसका भी जो फंक्शनैलिटी है बिल्कुल सेम है एज ऑफ 32 इंच वाला टीवी। और 32 इंच वाले है ना। हाँ, और इसमें जो आपको एक और जो क्या कह सकते हैं, इसमें एक और जो आपको फंक्शनैलिटी देखने को मिलती है वो है इसका हायर स्क्रीन रिजोल्यूशन। सो दैट टीवी वाज अप्रॉक्सीमेटली और नॉट अप्रॉक्सीमेटली इट वाज 1366x768 रिजोल्यूशन। एंड इसका जो रिजोल्यूशन है दैट इज़ 1080p अल्ट्रा HD रिजोल्यूशन। इनमें से कोई भी टीवी 4K में अवेलेबल नहीं है बट जो प्राइस रेंज ये ऑफर ऑफर करता है और उसमें एक एंड्रॉयड टीवी का आना इज़ बिग डील। तो आई विल प्रिफर कि आप ले सकते हो इसको। और पावर सेविंग कम कंजप्शन की बात करें, मतलब पावर कंजप्शन की बात करें तो इस टीवी को मिल रखे 4 स्टार्स और जो दूसरा टीवी था जो 32 इंच वाला उसको मिल रखे हैं ओनली 3 स्टार। तो पावर कंजप्शन में ये वाला टीवी मैं प्रिफर करूँगा और स्क्रीन रिजोल्यूशन में भी, और बाकी एडिशनल फीचर्स भी आपको इसमें देखने को मिल जाए। तो गाइस ये थी वीडियो, आई होप यू अपडेट और आपको फाइनली डिफरेंस पता चल गया होगा दोनों टीवी के बीच का। सो अब ये चॉइस आपके ऊपर है कि आपको कौन सा लेना है। मैंने अपनी प्रेफरेंस बता दी कि आपको कौन सा लेना चाहिए, बाकी इट्स अप टू यू। सो दिस वॉज द वीडियो, आई होप यू अपडेट और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय।